गुड मॉर्निंग साथियों, मैं आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और एक बार ये देखिए आप लोग, ये है आज सुबह का हमारे घर का नजारा। और देख सकते हैं आप लोग लाइन से कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अभी फिलहाल समीकरण कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं चली गई है। ठीक है, अपनी जो थार थी वो तो भाई सर्विसिंग पे चले गई है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो जीप को अपन ने वहाँ खुले में खड़ा कर रखा था, तो मुझे लगा कि यार फालतू में पानी वानी भरेगा, तो फिर जीप को अपन लोगों ने अपने कार्यालय पे खड़ा करा दिया क्योंकि वहाँ पे टिन शेड है। और फिर लास्ट के अंदर अपने पास में भाई स्कॉर्पियो बची थी। ठीक है, स्कॉर्पियो इसलिए बची थी क्योंकि पापा, ऐसे तो पापा यूज करते हैं स्कॉर्पियो को, नहीं पापा अभी हरिद्वार गए हुए हैं तो पापा फॉर्चुनर लेके गए थे, तो फिर स्कॉर्पियो नीचे खड़ी हुई थी। अब स्कॉर्पियो हमारी कहाँ चले गए आधी रात को, ठीक है वो अपन लोगों को बताएंगे। अभी बंसी जी, बंसी जी को फोन लगा दिया मैंने, बहुत ही अपन ने देखो बंसी जी से मिलता जुलता था, एक स्टिकर भी लगा रखा है यहाँ पे। हेलो, हाँ बंसी भैया, स्कॉर्पियो कहाँ पे आ रहे हो, ये तो बताओ ना। स्कॉर्पियो रात तक तो घर पे ही थी, कहाँ पे चली गई थी रात को, कैसे क्या बात हो गई? अरे यार मेरी गाड़ी खराब हो गई चक्रों में। तो आधी रात को कहाँ गए हुए थे जो आप? हम नारगढ़ घूमने गए हुए थे। अच्छा अच्छा, हमारी गाड़ी खराब हो गई तो आपकी गाड़ी लेके आए थे हम। अच्छा अच्छा, मतलब पूरी रात आपने पार्टी करी है कल, ऐसा? ऐसा ही मान के मेरे भाई। तो बंसी मैं तैयार होने वाला हूँ भाई, 5 मिनट के अंदर जल्दी से आ जाओ यार आप। 5 से 7 मिनट में आपके पास खड़ा मिलूंगा नीचे, आप बिना कहे ओके बंसी, ओके भाई। अब कोई नहीं, मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। आप पीछे आप लोग देख सकते हैं कि अपना कुर्ता पजामा टंग रखा है। आज बढ़िया अपन लोग जो है अपने मेन आउटफिट के अंदर जो है जाने वाले हैं। अब कहाँ जा रहे हैं अपन लोग ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, एक बार गाड़ी को आ जाने दो। रुद्र भी अभी रस्ते में ही है। ये देखो साथियों क्या चल रहा है यहाँ पर, मेरे को सुबह सुबह जल्दी बुला लिया गया है और यहाँ पर ये तैयार ही नहीं हुए। नहीं अब नहीं बोल रहा, तूने जल्दी क्यों बुलाया मेरे को? मत खोल भाई, ये ड्राई क्लीन पे जाके आता है ना यार ये कुर्ता, तो फिर ऐसे मैटर हो जाता थोड़ा। तू क्या बोल रहा था भाई? मैं मेरे को सुबह सुबह ऐसे जल्दी बुला के, भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कोई 50 फोन करके और भाई तैयारी नहीं हो रहा। फालतू बातें छोड़िए, बता मैं कैसे लग रहा हूँ भाई, एक नंबर भाई का वो क्या कहते हैं आउटफिट ऑफ द डे। गाइस रेट माय आउटफिट आउट ऑफ 10, मैं कैसे लग रहा हूँ जल्दी से कमेंट करके भाई पूरा ढंग से बताओगे। और बंसी बाप की मूछें गए, कल रात तक तो थी। ऐसा आपने क्या किया कि मूछें कट गई नारगढ़ पे? मूछें रखते ही नहीं सबको। तो साथियों अपन को अपने थोड़े से भाइयों को रस्ते से और उठाना है भाई, एक तो दर्शिल को उठाना है, एक अपन कार्यालय से खुशिल को उठाएंगे और एक अंशुल को उठाएंगे। और अपनी गाड़ी आ चुकी है। मंसी रात को ये बताओ कहाँ चले गए थे आप पार्टी वार्टी करने के लिए? पार्टी वार्टी नहीं भाई, कहीं घूमने गए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई। कहीं तो नहीं, आप नारगढ़ गए थे तो आप बता चुके सुबह, अभी बता दो पार्टी करने गए थे ना? घूमने गए थे साथ में घूम रहा है भाई वहाँ पे मुंबई के अंदर, मुंबई में एश एंड चिल चल रही है भाई की सारी की सारी। भाई पेपर मिस कर रहा है, भाई के अभी एग्जाम चल रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के अंदर, लेकिन भाई तो मुंबई से फुर्सत नहीं है। आप लोगों को बता भी देते हैं कि आज क्या स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि मैं जो हूँ कुर्ता पजामा सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे ही पहनता हूँ, है ना बंसिया? जो बिल्कुल खास खास प्रोग्राम्स होते हैं उसी दिन मैं पहनता हूँ, क्योंकि मैंने कहा बचपन से मेरे पापा को ये कुर्ता रोज पहनते देखा है। ठीक है, और मैं बच्चों ने हमेशा सोचा करता था, जब मैं बहुत छोटा होता था तभी बात बता रहा हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तब मैं सोचा करता था कि यार ये पापा ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि मैं मम्मी से रोज पूछता कि यार मम्मी ये सुबह सुबह पापा कहाँ जाते हैं और शाम को कहाँ आते हैं, ये सारे बच्चे पूछते हैं बचपन के अंदर। तू भी पूछते होगा उधर अपने पापा के लिए, है ना? तो ये सारे बच्चों का एक कॉमन सवाल होता है, तो मम्मी बोलती है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये ऑफिस में कुर्ता पजामा पहन के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि ऑफिस जाते हैं ना जो बिजनेसमैन वगैरह वो कोट पैंट पहन के जाते हैं, वो स्कूल में ऐसे सिखाते हैं। तो फिर मैं काफी सालों तक तो समझ नहीं पाया, फिर मेरे को बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब थोड़ी समझ आई फिर पता चला कि मेरे पापा एक पॉलिटिशियन है, तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि एक पॉलिटिशियन का आउटफिट होता है कुर्ता पजामा। तो मेरे बच्चों ने हमेशा सोचा करता है कि एक दिन मैं भी बड़े होकर कुर्ता पजामा पहनूंगा, तो अब मेरे को बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी स्पेशल प्रोग्राम में कुर्ता पजामा पहनता हूँ, तो इसलिए बहुत एक्साइटेड भी हो जाता हूँ कुर्ता पजामा पहनते समय। तो अभी अपन लोग कार्तिक में बड़ा हो चुका। अच्छा ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? हाँ पहन लेगा तो बड़ा हो गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो आज हमारे प्यारे प्रिया शरण महाराज का जो है बर्थडे है, तो आज उनके जन्मदिन के स्वर्ण अवसर पर हम सारे भाई पहले तो चलेंगे भाई गोविंद देव जी, फिर उनके आश्रम पे जो है आज पूजा है और शाम को प्रसादी है। तो आज उन्होंने मेरे को तीनों प्रोग्रामों में इनवाइट भी किया है और बोला है कि पूरे दिन आप मेरे साथ में भी रहना। तो आज अभी अपन लोग जल्दी से अपने सारे दोस्तों को उठाते हैं, उनके आश्रम चलते हैं, फिर वहां से अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले तो गोविंद देव जी भाई भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर उसके बाद में उनके वहाँ पे आश्रम पे ही आज बहुत बढ़िया तरह से जो है महाकाल जी की पूजा होने वाली है। भाई दर्शिल के घर के नीचे पहुंच चुके हैं अपन लोग, और मेरे भाई दर्शिल भट्ट, ये बेल्ट कैसे लटका गया है तू? क्या बात है, ये क्या है? क्या है बंसिया? वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम। ना क्या है क्या भाई? ना क्या है भाई? है सच्ची में भाई लग नहीं रहा। क्या लग रहा है? ना लग नहीं रहा। सुनो मैं ऊपर काम वाम करके आया हूँ, मम्मी की हेल्प करके आया हूँ।
भाई अर्जुन तू सनस्क्रीन भी लगाता है ना? हाँ तेरी लगाता हूँ। देख रहा है भाई, देख रहा है, मैं रोज कर रहा है। एक्चुअली साथियों मेरी एक सनस्क्रीन की फैक्ट्री भी है, तो अपन लोग भाई के लिए सनस्क्रीन बनाते हैं स्पेशल, जो अपना भाई लगाता है रोज चेहरे पे, लगाता है ना भाई, इसीलिए चमक रहा है भाई अपना। भाई हमारा एक और मित्र आ चुके हैं, इस मित्र को भी लेके चलो अपने साथ में। और बनवारी जी कैसे हो आप? बढ़िया। आप चल रहे हो हमारे साथ? हम जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम से। घूमने कहाँ पर? तो बैंकॉक जा रहे हैं। बैंकॉक चलो आप। क्यों क्यों, हम क्यों जाएं, आप क्यों नहीं जाओगे? मैं गांव जा रहा हूँ। आप गांव जा रहे हो? क्या करोगे गांव? काम है बैंकॉक में, इम्पोर्टेंट काम। बैंकॉक होता है? नहीं नहीं, गांव का काम, गांव का। सीरियस हो गया यार बनवारी जी, तो इनको लग रहा है सच में जा रहे हैं। अच्छा, अरे देखो अपने भाई आ गए दोनों को। दोनों हाँ भाई, कुशल क्या हाल चाल? बहुत देर लगाई आने में यार। ये चाय पीने चल गया। और भाई सानिध्य चाय पीने चले गए। तुम कहाँ चले गए चाय पीने? चाय तो बनवारी जी के वहाँ पे इतना बढ़िया लगा रखा है बनवारी जी ने सामने। भाई तुमने वहाँ से नहीं पी चाय? बनवारी जी लॉस क्यों कराया तुम तो ये बता दो बस। पता नहीं था ना। अच्छा पता नहीं था, अगली बार से बनवारी जी के पास ही आना। अब बैठो जल्दी बैठो, लेट हो गया यार। महाराज जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी कहाँ चल रहे हैं अपन लोग सबसे पहले बताओ? अभी अपना जो ड्राइवर है हाँ, वो तो जा चुका है अभी काम से। अच्छा काम से ले मतलब? बाबा के साथ गया। अच्छा अच्छा, एक साधु बीमार थे उनके यहाँ। अरे यार अच्छा, तो अपने यहाँ सीएमओ से एक जो सीएमओ में गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनकी गाड़ियाँ है। अच्छा अच्छा, जो मालिक है ड्राइवर है वो अपने साथ चल रहे हैं। चलो चलो फिर अपन लोग उनको पिक कर लेते हैं, फिर अपन लोग आगे निकलते हैं ना। बिल्कुल, देख सकते हैं साथियों महाराज जी को जो है सीएमओ से ड्राइवर मिला है। वंशी भैया तो साथियों अभी हम लोग गोविंद देव जी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे महाराज जी की गाड़ी भी आगे खड़ी हुई है। वंशी इसके पीछे लगा लो जल्दी से। ये अपन से पहले कौन से पहुंचे हैं वंशी? आपको मतलब गाड़ी चाहिए नहीं आती ढंग से? अच्छा नहीं, आपसे अच्छी गाड़ी चाहते है वो, उसको लगता होगा। तो तेज बगनी में अपन तेज चलानी थी क्योंकि नेताजी गाड़ी रह गई, सो प्यार प्रेम चलाता हूँ हमेशा। अच्छा और मेरी गाड़ी होती फिर उसको मस्काता भाई। मतलब फिर आप इनसे पहले पहुंच जाते क्या? आस पास टिकने नहीं देता भाई। अब अपन लोग यहाँ पे जाएंगे, गोविंद देव जी का आशीर्वाद देंगे क्योंकि हमारे महाराज जी का आज। महाराज जी कितने साल के हो गए अभी तक अपन ने इनसे पूछा नहीं है? बहुत बहुत कम उम्र के महाराज जी। महाराज जी उम्र तो कम ही है, नाजुक उम्र है काफी। 22 साल से ज्यादा के तो नहीं हुए होंगे महाराज जी, तो यंग लगते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. साथियों जैसा आप लोग देख सकते हैं अभी अपन लोग निकल गए हैं, बहुत बढ़िया अपन सब भाइयों ने दर्शन किए। दर्शन बढ़िया हो गए सारे भाइयों के? अच्छे से हो गए? हाँ भाई, पीछे वाले भी बता दो भाई। ठीक है बंसी जी, आपके दर्शन भाई करिए, मैं बाहर से करिए। बाहर से कराए बंसी जी, आज नहा धो के नहीं आए थे, ये गलत बात है इनकी, क्योंकि इनको क्या थोड़ा जल्दी आ जाए बुला लिया था मैंने सुबह सुबह इस चक्कर के अंदर। क्या हो गया? अब मेरी बात सुनो, अपन ये कहाँ पे आए हैं बताओ जल्दी। ये सम्राट वाला का क्या स्पेशल है भाई? कचौरी खमन सब पता नहीं क्या स्पेशल। वाह यार खुशी सब पता है। इसकी चाय कर दी, इसकी चाय याद है क्या? हम सुबह सुबह आए थे यहाँ पे, हम बहुत सारे लोग आए थे, दो तीन गाड़ी, दो या तीन का लस्सी भी मिलती है अच्छी यहाँ पे। चल रहे नहीं चल रहे बताओ? बैठे हुए एक जना जाओ भाई, सबके लिए लेके आओ, जिसके पैसे हो जाए। आज पार्टी दे रहे हैं अपन को, पता है अंशुल सानिध्य बदमाश। आपने समाज में कई किस्से सुने होंगे जहाँ पे नेताओं ने लोगों को लूटा, यहाँ पे नेता को लूटा जा रहा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग बताना जरा? पहले वादा किया था, वादे किए, वादे किए, वादे करो, अब सुनो सुनो सुनो। कई बार ऐसा होता है कि नेता वादे कर देता है फिर पूरे नहीं करता, यहाँ पे नेता ने जो वादे नहीं करे ना उनको भी पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या मंदिर से कर लेंगे दर्शन, समोसा खा लेंगे। चलो मैंने करा, मैं खिला दूंगा। अच्छा और अभी क्यों रुके हो यहाँ पे?
अच्छा किस कौन कौन कह रहा है कि मैं खिलाऊं कचोरी? सब बोल रहे हाथ उठाओ। हम कहे हम सब बोल रहे सिर उधर हाथ नहीं उठाए इसको नहीं खिला रहे इसके सब कहेंगे हम ये नहीं बोलो तू खिला हम कह रहे तूने कहा था मैं खिलाऊंगा ये बात ये थी तो खिलाना ही नहीं खिलाना ये बता दो खिलाना है या नहीं खिलाना बता दो खिलाना है बस जाओ खा लो हमारी तरफ से खाओ जाओ इतना खराब आदमी देखो क्या गिरा दिया इसने इसमें ये खाने की चीज गिराई भाई ऐसे क्या बोल रहा क्या गिरा दिया मैं मेरे लिए बना यार मीठी चटनी क्यों डाली दर्शी इस पे दर्शी खराब आदमी दाल थोड़ी सी डाली तो भाई दर्शी भटकी कचोरी भी आ गई साथियों आज इन लोगों ने मिलके ऐसा गंदा लूटा है ना मेरे को पता नहीं क्या क्या खा गए क्या क्या खा गए साले डकैत रुद्र भी और डकैत दर्शिल भी इन्होंने इतना खमन ढोकले मंगा लिए वो खा गए क्या बोलते कचोरियां खा गए लस्सियां पी गए ये पोहे खा गए अबे तुम साला यहाँ पे आके इतना बिल बना दिया तुम सोचो किसी रेस्टोरेंट चलेगे मेरे साथ पता नहीं क्या बनाओगे 25-30 हज़ार का बिल बनाओगे तुम तो साले अभी अबे अपना नमन रिश्तेदार अभी कैफे खोल रहे ना उससे रोज रात को 5-10 हज़ार का बिल बनाया करके बताओ हाँ देखो सब कितने खुश हो गए फ्री में जाएंगे चम्मच इसलिए फेंक दी ताकि हम लोग नहीं खा पाए कोई नहीं हम इसकी चम्मच से खा लेंगे हम हाथ से खा लेंगे तो मेरे को भी खिला एक बाइट टेस्ट तो करा कैसे यहाँ पोहे चम्मच ही ले बताओ बताओ क्या हुआ बताओ क्या हुआ मिलगी ये क्या कुशल खड़ा हुआ यहाँ पे मजाक बना ये मजाक बना बंसिया का कि बंसिया को लस्सी नहीं मिली सबको लस्सी मिल गई उतने में इसकी लस्सी आई बंसिया पी गई नहीं नहीं मैं दे ला टेस्ट क्या हुआ बंसिया कैसा लग रहा है बहुत ही बेकार लग रहा है ओए ओए बंसी जाट क्या कर रहा है दारू पी रहा ओए ड्रिंक एंड ड्राइव कर दी और जाट रिस्की आफ्टर रिस्की ड्रिंक एंड ड्राइव का केस लग गया वो देखो नरेंद्र मोदी जी की छत्रछाया में हुआ आप देख रहे हो आपको तो भाई साथियों वॉन्टेड पार्क आ गए आप करेंगे मतलब शॉपिंग फिर अपन चले महाराज जी का आश्रम मेरे दूसरे फोन गए मेरे फोन गए दूसरे फोन गए हाँ और 12 ठीक है भाई चलो जारा में बढ़िया शॉपिंग करके दर्शी बट क्या ले लिया दिखाओ भाई भाई जैकेट लिया है जैकेट लिया है तो अब जैकेट वैकेट ले लूँ आगे अब हम सारे भाई तो जाएंगे आश्रम अरे रुक जा भाई हम सारे भाई तो आश्रम जाएंगे और दर्शिल भट्ट अब जाएगा भाई कहाँ जाएगा तू पढ़ाई करने घर पढ़ाई करने के लिए घर क्या जैकेट पढ़ाई करेंगे भाई अपनी फ्रेंड के साथ में पढ़ाई करेगा आज उसे बहुत तगड़ी पढ़ाई करेगा अपने फ्रेंड को ये पढ़ाई कराएगा भाई खुद पढ़ूंगा मेरे एग्जाम है भाई अरे बंसी जी को फोन करो यार वो गाड़ी तो मंगवा लो यार गाड़ी मंगा लो भाई साथियों अपन तो महाराज जी के आश्रम आ गए हैं महाराज जी कहाँ पे हैं भाई महाराज जी मीटिंग में बैठे हैं मीटिंग में बैठे हैं बर्थडे के दिन भी मीटिंग हो रही है क्या चलो भाई अब थोड़ी देर अपन रेस्ट करते हैं फिर बहुत बढ़िया महाकाल जी की पूजा हो जा रही अब मेरे आधे से ज्यादा वीर सेनानी तो घर चले गए अभी हमने बचे हुए कुछ वीर सेनानी है बिल्कुल जो मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं ये शाम की व्यवस्था हो रखी है शाम को आज यहाँ पे प्रसादी है अभी भी चल रही है प्रसादी अभी भी चल रही नहीं हम शाम को ग्रहण करेंगे अभी आपके साथ में हम आपको अभी भी कराएंगे ऐसे जबरदस्ती ऐसे थोड़ा होता है प्रसाद तो ग्रहण करना जरूरी है आपने पूजा करी तो प्रसाद ही बनता है चलो थोड़ा ले लेंगे अभी यार हम बाहर से खाना खा के आ गए बस ये मैटर हो गया ये गलत कर दिया आप अब आप हमारे साथ आप भी कचोरी खिला के ला दो सम्राट अगर आपने ये गलत कर दिया यहाँ जरूरी था हमने प्रसाद चलो कोई नहीं आप ही ले लेंगे